हेलो एंड वेलकम। नेशनल पार्क के सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले के पार्ट में कुछ स्टेट्स के नेशनल पार्क्स किए थे, बाकी के बचे हुए इस सेक्शन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट है केरला, केरला के अंदर देखिए पांच नेशनल पार्क महत्वपूर्ण हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, पदम शोला नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क। पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। सो देखिए एक ट्रिक वर्ड लगाने की कोशिश करते हैं, लिख लीजिए रवि, रवि यार शोले देखकर साइलेंट हो गया, साइलेंट हो गया। देखिए एक रवि नाम का लड़का था, वो क्या करता था, ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ देखता था। तो हॉलीवुड मूवीज़ की काफ़ी तारीफ करता रहता था और कहता रहता है बहुत अच्छी मूवी है हॉलीवुड की। एक दिन उसने शोले मूवी देखी और उसको देखकर वो बिल्कुल चुप हो गया, उसको लगा कि यार बहुत बढ़िया मूवी है। सो रवि की बात की जाए तो इरावी, रवि आर ए वी आई, इरावी कोलम से आपका रवि, यार से पेरियार, शोले से शोला, देखकर साइलेंट से साइलेंट वैली, साइलेंट हो गया। ये सॉरी दो बार लिख दिया, ये इराविकुलम एक ही बात है। रवि यार शोले देखकर साइलेंट हो गया, रवि इराविकुलम, यार पेरियार, शोले पमदवम, शोला नेशनल पार्क, साइलेंट से साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो चारों नेशनल पार्क्स कवर हो गए। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। अगर क्वेश्चन आ जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, वेर इज साइलेंट वैली, तो भी आपका आंसर केरला या केरल। साइलेंट वैली केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ऑल्सो इन केरल। ट्रिक वर्ड, रवि यार शोले देखकर साइलेंट हो गया। रवि लड़का था, हॉलीवुड की मूवीज देखता था, उसने शोले देखी, उसके बाद वो साइलेंट हो गया। समझ आ गया, आगे चलते हैं। सॉरी केरल में एक रह गया, लिख लीजिए अनामुडी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर आपका केरल में। अरे ऐसे कर लिए, अन्ना का जब मूड बनता है ना, अन्ना का जब मूड बनता है तो केरल में घूम के आता है, केरल में करेले खाने जाता है। अन्ना का जब मूड बनता है तो केरल में क्या खाने जाता है, करेले खाने जाता है। अन्ना मुडी है वो केरल में, केरल करेले खाने चला गया। सो देखिए अन्ना मुडी नेशनल पार्क केरल में। देखिए जो अन्ना मुडी है एक्चुअली ये एक टिप का नाम है, अन्ना मुडी टिप है, टिप इन द सेंस हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुडी आंसर होगा आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, अनामुडी नेशनल पार्क केरल। कैसे याद किया, अन्ना था मूड बन गया और वो कहाँ चला गया, केरला में। सो केरल के चार और एक पाँच महत्वपूर्ण नेशनल पार्क सब याद कर लिए, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो लगभग क्वेश्चन यहीं से आता है। सो कौन कौन से नेशनल पार्क एक बार देख लेते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और फोशियल नेशनल पार्क। अब एक छोटा सा ट्रिक लगा लेते हैं इसके पीछे भी, लिख लीजिए संजय सतपुड़ा के वन में पूरे मन से
ढूंढने गया और बेंच पर सो गया। संजय सतपुड़ा के वन में, देखिए संजय नाम का एक लड़का था, सतपुड़ा के वनों में वह पूरे मन के साथ गया, पूरी इच्छा के साथ गया, पूरे मन से पन्ना ढूंढने गया। पन्ना, हीरा पन्ना आपको पता होगा, बहुत बेशकीमती पत्थर होता है। पन्ना ढूंढने गया और वहाँ पर एक बेंच था, थक हार कर वो बेचारा उसी पर सो गया। तो संजय से संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा से सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन से वन विहार नेशनल पार्क, मन से, एक सेकेंड, वन से क्या हो गया था आपका, पूरे मन से, यस यस यस, इसको स्किप कर देते हैं। पन्ना से पन्ना नेशनल पार्क ढूंढने गया और बेंच से बेंच नेशनल पार्क। ओके, अब जो रह गए, एक फोशियल नेशनल पार्क, फोशियल नेशनल पार्क के बारे में एक छोटी सी बात देता हूँ आपको। फोशियल नेशनल पार्क, देखिए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं वो किस स्टेट में हैं, दैट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। देखिए जितने भी फोशियल्स मिलते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो सबसे ज़्यादा जंगलों में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जंगल कौन से राज्य में, मतलब कि नेशनल पार्क्स किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। उन्हें नेशनल पार्क्स में क्या मिलते हैं, फोशियल्स। तो फोशियल नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स में देखने को मिलता है ये। कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश, लिख लीजिए इसको, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़। कान्हा ने बांध दी, कुछ भी बांध दी, कान्हा ने बांध दी, कोई चीज़ बांध दी, गायें बांध दी, कहाँ पर बांध दी, मध्य प्रदेश में, ऐसे याद कर सकते हो आप। कान्हा ने बांध दी गायें अपनी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो आई थिंक ट्रिक याद हो गया होगा। संजय सतपुड़ा के उन्हें पूरे मन से पन्ना ढूंढने गया और वहीं पर बेंच पर सो गया। फोशियल नेशनल पार्क का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सो सबसे ज़्यादा फोशियल्स भी कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखिए आपके संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, एक सेकेंड, पेंच नेशनल पार्क गलत हो गया ना ये, पेंच नेशनल पार्क तो आपका, सॉरी इसको आप काट सकते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। ओके, नवेगांव, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। देखिए संजय गांधी को एक मिनट के लिए लिख देते हैं, संजय दत्त, संजय दत्त, संजय दत्त नवे चांद तोड़कर गुगामल को देता है। संजय दत्त, देखिए संजय दत्त कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र मुंबई, नवे चांद तोड़कर गुगामल को देता है। संजय दत्त की एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि गर्लफ्रेंड का नाम गुगामल है और लोग अपने बोलते थे गर्लफ्रेंड को, तुम्हारे लिए तो मैं चांद तोड़कर भी दे सकता हूँ। तो संजय दत्त अपनी गर्लफ्रेंड गुगामल से बोलते हैं कि मैं तुम्हें नवे चांद तोड़कर देता हूँ, तो हमने वर्ड बना दिया संजय दत्त नवे चांद तोड़कर गुगामल को देता है। संजय दत्त से संजय गांधी नेशनल पार्क, इसको बोरीविलाई नेशनल पार्क भी बोला जाता है, लिख लीजिए, नवे से नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है, चांद से चंदौली नेशनल पार्क, चांद, चांद तोड़ कर देता है गुगामल से गुगामल नेशनल पार्क। सो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई में संजय दत्त, संजय दत्त नवे चांद तोड़कर अपनी प्रेमिका गुगामल को देता है। ओके, सो चारों के चारों याद हो जाने चाहिए। अगला, नेक्स्ट वन, मणिपाल। मणिपाल में दो ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, सिरोही नेशनल पार्क एंड सेकेंड वन कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। सिरोही
और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखिए सिरोही नाम की एक लड़की थी, सिरोही, सिरोही के पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, मनी नहीं है। सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही, सिरोही के पास बिल्कुल, किबुल को बिल्कुल बोलो एक मिनट के लिए, सिरोही के पास किबुल या बिल्कुल भी मनी नहीं है। मनी से मनी, देखिए मनी को ऐसे लिखते हैं ना, मणिपाल ऐसे लिखते होंगे शायद, यस आई लिखते, आई थिंक ऐसे लिखते हैं। सिरोही के पास बिल्कुल भी मनी नहीं है। सिरोही से, सिरोही नेशनल पार्क, बिल्कुल किबुल को बिल्कुल बोल दिया, सो सिरोही के पास बिल्कुल भी मनी से मणिपाल। ओके सो आगे चलते हैं, मेघालय, मेघालय में नो क्रैक, नो क्रैक नेशनल पार्क, और सेकंड वन इज बाल पखारम नेशनल पार्क। देखिए मेघालय, मेघालय, मेघालय मतलब कि हाउस ऑफ क्लाउड्स, मतलब कि बादलों के घर को क्या बोलते हैं मेघालय। देखिए जो बादलों का घर होता है ना, उसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होता, इन द सेंस जो गैसेस होती हैं वो एक स्ट्रीम लाइन में होती हैं, सो कोई भी क्रैक नहीं होता, सो नो क्रैक। सो ऐसे घर जहाँ पर कोई क्रैक नहीं होता, किस चीज़ के बने होते हैं, बादलों के या गैसेस के बने होते हैं, तो याद कर लीजिए नो क्रैक मेघालय, ठीक है। बाल पखारम नेशनल पार्क, अब इससे रिलेटेड कोई ट्रिक नहीं बना, मैंने बहुत कोशिश की, आपसे कोई बन रहा तो आप बता दीजिए। बाल पखारम नेशनल पार्क आल्सो इन मेघालय। देखिए मेघालय दो इम्पोर्टेंट, नो क्रैक बाल पखारम, नो क्रैक मेघालय, मेघालय में हाउस ऑफ क्लाउड्स बोल सकते हैं, और जो हाउस ऑफ क्लाउड्स होते हैं बादलों के घर होते हैं, उनके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होता। ओके सो आगे मिजोरम की बात कर लेते हैं, मिजोरम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, मुरलेन और पवान गुपी ब्लू नेशनल पार्क। अब इनसे रिलेटेड भी कोई ट्रिक वर्ड नहीं बना मुझसे तो, सो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपसे कोई बन रहा है तो आप बता दीजिए, वैसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, मुरलेन नेशनल पार्क एंड पवान पुई ब्लू नेशनल पार्क। ओके सो नेक्स्ट वन इज ओडिशा, ओडिशा में सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, एंड सेकेंड वन भितरकनिका नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में, पेपर्स में देखने को मिल जाता है। सो देखिए ट्रिक वर्ड लगा लीजिए, ओडिशा की लड़की, ओडिशा की कनिका लिख लीजिए, ओडिशा की कनिका सिंपल है, सिंपल है, ओडिशा की कनिका सिंपल है, ओडिशा, ओडिशा कनिका से भीतर कनिका, सिंपल से सिंपली पाल नेशनल पार्क। देखिए होता क्या है, जब एग्जाम्स होता है ना, कई बार भूल जाते हैं कौन सा ट्रिक वर्ड था, ट्रिक वर्ड था। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी ट्रिक वर्ड आपको लिखवाए जा रहे हैं, इनको आप बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर समझ याद नहीं, और एक बार वीडियो देखने से दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक तो ये लगे ना कि कंठस्थ हो गए, तब तक इसको पढ़ते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस ऐसे नोट्स जो आप कहीं भी बस में बैठे हो, बस में बैठ के पढ़ लिए, आप कहीं बाहर घूमने गए हो, हाथ के ऊपर लिख लिया छोटे छोटे एक एक दो दो ट्रिक वर्ड जो आपको लगता है गलती लग रही है याद करने में, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर, मोबाइल के अंदर बना लीजिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, सॉरी नागालैंड की बात कर लेते हैं, इन टकी नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, या इसको बोलते हैं नटांगी नेशनल पार्क, लेकिन ज़्यादातर आजकल यूज होता है जो इन टांगी नेशनल पार्क ही यूज होता है। नागालैंड देखिए, इन टाकी नेशनल पार्क, INTANKI, इन टाकी नेशनल पार्क। देखिए इन टाकी को अगर आप अलग अलग संधि विच्छेद करोगे इसका, तो दो शब्द का बन गए, इन टंकी, टंकी पानी वाली टंकी होती है जो घरों में हम, इन टंकी पानी की टंकी में क्या है, नाग, इन टंकी नाग, इन टंकी नाग, नाग कहाँ पर है, टंकी के अंदर, इन टंकी, समझ रहे हो ना। सो इन टंकी नेशनल पार्क नागालैंड, संधि विच्छेद के दिया इन प्लस टंकी, सो ये कहाँ पर हो गया आपका, नागालैंड के अंदर। ओके सो आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कियोलाडियो,
कियोलाडियो नेशनल पार्क, सरिक्षा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क एंड डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए, हाँ इसमें एक चीज़ भूल गए हम, इसमें आप एक को लिख लिए, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क राजस्थान। अब देखिए छोटी स्टोरी इसके पीछे, जो राजा जी थे ना, राजा जी लिख लीजिए, जस्ट अ सेकंड प्लीज, एक सेकंड, या देखिए राजा जी नेशनल पार्क इज नॉट इन, राजा जी नेशनल पार्क आपका राजस्थान में नहीं है, इट इज इन उत्तराखंड, सॉरी मुझसे गलती हो गई। सो या पांच मुख्य नेशनल पार्क, कियोलाडियो, सरिक्षा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, दर्रा और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी राजस्थान के अंदर हैं। देखिए राजस्थान में जो लैंग्वेज ज़्यादातर यूज की जाती है वो मारवाड़ी लैंग्वेज होती है। मारवाड़ी लैंग्वेज में क्या है कि हर शब्द के पीछे ओ लगा देते हैं लोग, कियो, के लायो, के खाओ, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। तो देखिए कियो लाडियो, वहाँ पर एक नई नई बहू आई किसी के, वो अपने हस्बैंड से पूछते हैं कि कियो लाडियो, कियो लाडियो, कियो लाडियो, वो अपने हस्बैंड से पूछते हैं कियो लाडियो, वो दूसरे उसके हस्बैंड बोलते हैं साड़ी, साड़ी या साड़ी। ओके, पत्नी पूछती है क्यों ला दियो, हस्बैंड बोलता है सारी या साड़ी। अब देखिए दो तो हमने कवर कर लिए साड़ी और क्यों ला दियो के हिसाब से। अब रणथंबोर, दर्रा और डेजर्ट, देखिए रन कहाँ पर होता है, रन ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत खुला प्लेस हो, बिल्कुल एकदम जगह पे अच्छी हो वहाँ पर, जहाँ पर, अब राजस्थान है बहुत बड़ा रेगिस्तान है वहाँ पर, सो रन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि खुली जगह है, यहाँ पर दो आर्मी आपस में लड़ सकती हैं। तो रण कहाँ पर होगा, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर खुली जगह है। अब डेजर्ट, डेजर्ट तो सबको पता है, डेजर्ट राजस्थान में है नो डाउट। अब दर्रा, दर्रा की बात कर लेते हैं। दर्रा एक्चुअली होता क्या है, पास इसको बोलते हैं दर्रा, जब दो पहाड़ होते हैं उनके बीच के बीच जो स्थान होता है आने जाने का, उसको दर्रा बोला जाता है। कोई ट्रिक वर्ड नहीं लग रहा मेरे से, फिर भी आप याद कर लीजिए, दर्रे राजस्थान में ही हैं, होने चाहिए थे पहाड़ों के बीच में दर्रा नेशनल पार्क, लेकिन ये राजस्थान में आ गया, कैसे आ गया आई डोंट नो। सो आगे चलते हैं, सिक्किम नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, कोई ट्रिक वर्ड नहीं है। सिक्किम नेशनल पार्क, सॉरी सिक्किम में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ति नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेरेन नेशनल पार्क। अब देखिए एक ट्रिक वर्ड लिख लीजिए, इंदिरा को मुक्ति देने, इंदिरा, इंदिरा को मुक्ति देने, इंदिरा को मुक्ति देने, मधु, इंदिरा को मुक्ति देने मधु, एक सेकेंड, मधु लिख लीजिए, मधु गुंडी तमिलनाडु के मरीन में चली गई। मरीन यानी मतलब होगी जल से संबंधित होता है, मरीन वर्ड होता है, मरीन में चली गई। देखिए इसमें एक और लिख लीजिए आप, पता नहीं कैसे गलती होगी मेरे से आज, इसमें लिख लीजिए गुंडी नेशनल पार्क, GUINDY गुंडी नेशनल पार्क। सो इंदिरा को मुक्ति देने के लिए मधु गुंडी थी कोई, जैसे गुंडे लोग होते ना, तो मधु भी कोई गुंडी थी। देखिए अगर किसी का नाम मधु है तो प्लीज़ डोंट माइंड, इट इज़ जस्ट ए ट्रिक वर्ड। सो इंदिरा को मुक्ति देने के लिए मधु गुंडी तमिलनाडु के मरीन में
चली गई, मरीन यानी पानी में चली गई। इंदिरा से इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपका, मुक्ति से मुखुर्ति, मुखुर्ति को आप मुक्ति के जैसा लग रहा है, मुक्ति देने। मधु से मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क, तमिलनाडु ये आपका शब्द आ गया, स्टेट का नाम हो गया। मरीन से गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में पांच मुख्य नेशनल पार्क, मधुमलाई, मुगुर्ति, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन एंड गुंडी। सो ट्रिक वर्ड क्या बनाया, इंदिरा को मुक्ति देने के लिए मधु गुंडी तमिलनाडु के मरीन में चली गई। ओके सो अगर कोई मधु इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ डोंट माइंड। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। अब उत्तराखंड में पांच बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल राजा जी नेशनल पार्क, सेकेंड वन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, थर्ड वन गंगटोई नेशनल पार्क, फोर्थ वन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फिफ्थ वन नैना देवी नेशनल पार्क। ओके तो देखिए एक छोटी सी स्टोरी है, आप लिख लीजिए, ट्रिक वर्ड लिख लीजिए, राजा जी जिम के बाद, जिम के बाद गंगा में नहाए, गंगा में नहाए और फूल लेकर, फूल लेकर नंदा, फूल लेकर नंदा देवी पर चढ़ाने गए। देखिए राजा जी थे, वो पहले जिम की उन्होंने, जिम के बाद गंगा में नहाए, उसके बाद फूल लेकर नदी नंदा देवी पर चढ़ाने के लिए गए। देखिए राजा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, जिम करते हैं, जिम के बाद नहाने जाते हैं, नहाने जाने के बाद देवी देवता जिसको भी वो मानते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही कोई राजा जी थे, उन्होंने पहले जिम की, जिम के बाद फिर वो गंगा में नहाने गए, गंगा में नहाने के बाद उन्होंने वहाँ से फूल लिए, फूल किस पर चढ़ाए, नंदा देवी पे। राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क आपका, जिम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका, गंगा से गंगटोई नेशनल पार्क आपका, और फूल से वैली ऑफ फ्लावर्स, फूल फूल ठीक है ना, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और नंदा देवी से, सॉरी नैना देवी है, नैना देवी पर चढ़ाने गए। ओके वेरी वेरी इजी, सबसे आसान मेरे हिसाब से ये ट्रिक होनी है। राजा जी जिम के बाद गंगा में नहाए और उसके बाद फूल लेकर नैना देवी पर चढ़ाने गए। ओके सो देखिए अब एक छोटी सी बात, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात हो गई यहाँ पर। अगर क्वेश्चन आ जाता वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट, तो आपका आंसर उत्तराखंड, नो डाउट। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है वैली ऑफ फ्लावर इज इन विच स्टेट, तो भी आपका आंसर उत्तराखंड। देखिए दो क्वेश्चन इस तरह के आ गए, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरला या केरल, सॉरी वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गई आपकी उत्तराखंड या यूके। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात लेते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट विच इज़ द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क या फिर उसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। अब आपको मुझे बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर है, अभी अभी करा है। देन सेकंड वन नॉर्दर्न मोस्ट नेशनल पार्क, यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट या सबसे उत्तरी नेशनल पार्क कौन सा है, देन आपका आंसर होगा जे एंड के डचीगाम नेशनल पार्क। देखिए डचीगाम भी मैंने एक ट्रिक वर्ड के हिसाब समझाया था, गाम में कोई आशिक था किसी के पीछे घूम रहा था, उसको रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो, याद करो, जम्मू एंड कश्मीर में डचीगाम नेशनल पार्क। एंड तीसरा क्वेश्चन जो होता है यहाँ से, विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इन इंडिया, सबसे ऊंचे स्थान पर कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया में, सो उसका आंसर भी आपका डचीगाम नेशनल पार्क होगा। ये तीनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, मैंने सभी नेशनल पार्क को कवर करने की कोशिश की है।
होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। आपको कैसी लगी वीडियो, क्या कमियां रही हैं, क्या खास बात रही हैं, आपको क्या खास बात लगी वीडियो की ये भी बताइएगा। ओके सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, सीखते रहिएगा प्लीज़।